नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 4% महंगाई भत्ते वृद्धि को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों को आदेश का इंतजार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महंगाई भत्ता वृद्धि की घोषणा का क्या हुआ, बड़ी खबर है, जानेंगे। यह केवल घोषणा ही रह गई, चलिए जान लेते हैं। लेट्स शुरू। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासी कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 42% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में 38% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से 4% कम है। 10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा। राज्य शासन द्वारा परंपरा के विपरीत महंगाई भत्ते की घोषणा दिनांक से दिया जा रहा, जबकि पूर्व में यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर सहित प्राप्त होता था। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से डीए दिए जाने की घोषणा की गई थी, वह महज एक घोषणा ही बनकर रह गई। शासन के दोहरे मापदंड से प्रदेश के शासकीय निगम मंडल में करत लगभग 10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है। संघ ने माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के समान राज्य कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी करते हुए एरियर्स का नगद भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संघ धरना आंदोलन हेतु बाध्य होगा।